हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज़ ज्योति एंड आई एम फ्रॉम बिहार, डिस्ट्रिक्ट नेम सीतामढ़ी। सो आज का वीडियो होने वाला है चैलेंजिंग वीडियो फॉर मी, एज आई एम ट्राइंग टू नॉट यूज़ फ़ोन फॉर 24 आवर्स। सो एक्चुअली आई वॉज सिटिंग एंड थिंकिंग, आई वॉज़ यूजिंग फ़ोन सो मच, सो आई थॉट वॉट टू डू। सो आई रियलाइज्ड माई जियो कनेक्शन, वाईफाई एंड मोबाइल डाटा नेटवर्क दोनों की रिचार्ज ख़त्म हो गई है। सो आई थॉट कि मैं रिचार्ज नहीं करूँगी पूरे एक दिन, जिससे मैं फ़ोन वैसे ही नहीं चला पाऊँगी। मतलब ख़ुद को ऐसे कंट्रोल करना है कि मैं रिचार्ज ना करूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसा होने वाला है एक दिन बिना फ़ोन के। सो आई होप यू ऑल विल स्टार्ट हो एंजॉय। रहा है रात के 10:30 बजे से। आप पीछे शायद घड़ी में देख भी पा रहे होंगे, मैं जूम करूँ क्या? नहीं, जूम नहीं हो रहा। सभी रात के 10:30, आई गेस 11 बज रहे हैं, तो अभी से स्टार्ट हो रहा है और कल 10:30 बजे तक विश मी चलेगा। अ बिग बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आज के डेट में बिना फ़ोन के एक दिन रहना, आई डोंट थिंक वी विल सर्वाइव। सो चलिए देखते हैं मैं सर्वाइव कर भी पाती हूँ या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। सारे 10 बज गए हैं, तो चलिए सबसे पहले डिनर कर लेते हैं, फिर अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। डन विथ माई डिनर, और मेरी हमेशा आदत है कि मैं खाते समय मैं फ़ोन चला के ही, मतलब कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देख के खाती हूँ। बट इट्स आज बहुत टफ हुआ, आज लग रहा था मेरे खाना ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं बिना फ़ोन के खाने में। सोचा कि देखते हैं ये वीडियो कितना चैलेंजिंग होने वाला है मेरे। चलिए स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने के बाद मैं सोने चली गई, और मेरी सुबह आदत है, जब फ़ोन ऑन करते ही, सबकी आदत होगी कि फ़ोन ऑन करते ही देखना, तो मैं फ्लाइंग बेस चैनल को फॉलो करती हूँ, तो वो उनकी व्लॉग की नोटिफिकेशन आई थी और मैं व्लॉग ओपन कर रही थी और ओपन ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे याद आया कि अरे मैं तो चैलेंज कर रही हूँ कि मुझे 24 घंटे फ़ोन नहीं चलाना। देन आई रियलाइज, और मुझे लग रहा था अरे यार मैं कैसे करूँगी, मैं देख लेती हूँ। फिर बहुत मुश्किल से मैं बेड से जगी बिना फ़ोन चलाए, और फिर मैं फ्रेशन अप हो गई, और अभी मैं माँ मुझे बोली है कि छत पे जाके कपड़े डाला है, तो वही मैं डालने आई हूँ। सो आफ्टर डैट आई एम हैविंग माई लंच, और उसके बाद मुझे BSC अपने कॉलेज जाना था, कुछ काम था, तो मुझे उसके लिए भी रेडी होकर निकलना था, तो मैं जल्दी जल्दी से लंच कर लेती हूँ और फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए। सो मैं यहाँ कॉलेज आ चुकी हूँ और यहाँ मेरा काम भी हो चुका है, और गाइज यहाँ कोई फ़ोन की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बस एक कोड आना था, तो वो कोड तो बिना नेट के भी हो जाता है। और फिर मैंने कुछ, मेरे भाई ने एक्चुअली, उसने मेरे लिए बिरयानी ऑर्डर की थी जोमेटो से, तो वही आ गई, और फिर वहाँ मुझे कुछ नेट का काम पड़ा, तो मुझे लगा कि अरे यार अब तो फ़ोन चलाना ही पड़ेगा, बट माय भाई हेल्प मी, और उन्होंने उस जोमेटो वाले भैया को भी पता नहीं लगने दिया कि मैं कुछ ऐसा चैलेंज कर रही हूँ। सो अभी शाम हो चुकी है और मैं छत पे वॉक कर रही थी, और वॉक करते करते सोच रही थी कि हमने अपने लाइफ में फ़ोन को कितना इम्पॉर्टेंट बना लिया है। ठीक है, फ़ोन आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट इतना फ़ोन पे डिपेंडेंट रहना कि हम एक दिन भी बिना फ़ोन के नहीं रह सकते। 1 घंटे अगर फ़ोन के बिना रह लो तो लगता है कुछ कुछ, मतलब लाइफ में आज मुझे पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ मैं भूल रही हूँ। मुझे ऐसा अंदर से खुद फील हो रहा था कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो कमी हो रही है।
मुझे खुद को बहुत आज अच्छा लगा बिना फ़ोन के एक दिन रहना, और ऐसा लग रहा था कि मैं खुद से कुछ मतलब खुद के लिए कुछ सोच पा रही हूँ। अगर ऐसा लगता है कि फ्री टाइम मिलता है तो हम फ़ोन में घुस जाते हैं, बट अभी लग रहा था कि हाँ मैं खुद के लिए कुछ सोच पा रही हूँ, कुछ सोचना चाह रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये चैलेंज करके। आई फील कि मैं कभी इसको नेक्स्ट टाइम भी ट्राई करना चाहूँगी, और मैं एक नीट एस्पायरेंट और BSc स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लाइफ में ये पढ़ाई के अलावा तो कुछ मैं दिखाने के लिए है नहीं। तो यही है, फिर से मैं पढ़ने लग गई थी और फिर से मैंने नाश्ता कर मतलब रात का खाना खा के और फिर मैं पढ़ के फिर सो गई थी। तो दिस इज़ हाउ दिस चैलेंज कम्प्लीटेड, एंड आई फील सो प्राउड कि मैंने ये अपने चैलेंज कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगा था मैं कर पाऊँगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट, और मुझे करके तो बहुत अच्छा लगा ये 24 आवर नो फोन चैलेंज, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सुकून मिलता है बिना फ़ोन के पूरे दिन रहना, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ खो रहा है, बट ठीक है एक दिन के लिए वो भी सही। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, थैंक यू।